हाय एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 पैसिव इनकम आइडियाज, यानी कि ऐसे 5 आइडियाज जहां पे आपको डेली कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी एंड उसके बाद एक रेगुलर बेसिस पे आपको रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। 5th नंबर पे है ईबुक। ईबुक होती है डिजिटल वर्जन ऑफ अ फिजिकल बुक, यानी कि ऐसी बुक्स जो कि हम डिजिटली रीड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इन बुक्स को क्रिएट करने के काफी सारे तरीके हैं। यकीन मानिए, ईबुक बना के आदमी हजारों लाखों रुपए कमा रहा है। आपको सिर्फ करना ये है, आपको एक डॉक फाइल बनानी है, वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, गूगल डॉक्स पे या और भी जैसे WPS सूट, ऐसे भी कोई भी ऑफिस बिल्डर सूट्स पे आप वहाँ पे एक डॉक फाइल बनाइए, उसे एक PDF में कन्वर्ट करिए एंड जितने सारे भी सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि Amazon KDP, ब्लू रोज पब्लिशर्स, ये सारे पब्लिशर्स कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप अपनी ईबुक्स क्रिएट करके उन्हें अपलोड कीजिए। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स अपलोड करनी होंगी, आप अपना कवर खुद डिज़ाइन कीजिए कैनवा जैसे प्रीमियम सूट्स पे एंड फिर वहाँ पे आप अपनी बुक एक एग्जैक्ट जैसी अमेज़ॉन पे बिकती हैं, आप उन बाकी ऑथर्स के साथ वहाँ पे स्टैंड आउट कर सकते हैं। अमेज़ॉन KDP, ब्लू रोज पब्लिशिंग एंड नोशन प्रेस जैसे जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनकी डिटेल वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा, तब तक के लिए हम बढ़ते हैं 4th नंबर पे। 4th नंबर पे है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग होती है जहाँ पे आप एक कंपनी या एक कोई दूसरी एंटिटी का प्रोडक्ट खुद बेचते हैं, खुद उसको एडवर्टाइज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन, उसमें आपको कमीशन मिलता है। लेट्स से कोई कंपनी ए है, आपको उसका एक प्रोडक्ट पसंद है या आप उसे यूज करते हैं एंड आपकी एक सोशल मीडिया फॉलोइंग है, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, आपको अपना प्रोडक्ट वहां पे डालना है, आपको एनकरेज करना है अपने व्यूअर्स को कि आप ये प्रोडक्ट ट्राई कीजिए, मैंने भी ट्राई किया एंड काफी अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद जैसे ही वो वहां पे कोई परचेज करेंगे, आपको उस सेल कुछ सर्टेन अमाउंट एज अ परसेंटेज यानी कि एज अ कमीशन आपको वहां पे मिलेगा। दिस इज अफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पे काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं Amazon, Fiverr, eBay पार्टनर नेटवर्क, CJ अफिलिएट, मैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वहां मिल जाएंगे। टॉप 3 के ऊपर बढ़ने से पहले हम बात करते हैं एक ऐसे बोनस पैसिव इनकम आइडिया की जो कि बहुत पॉपुलर है एंड उससे वॉरेन बफेट जैसे ग्रेट इन्वेस्टर्स बने हैं इस दुनिया में, वो है डिविडेंड स्टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, इसको हमने इंक्लूड इसलिए नहीं किया है बिकॉज आप बोलेंगे यार कैपिटल नहीं है, पैसा ही होता तो हम ये पैसिव इनकम आइडियाज क्यों ढूंढते एंड क्यों पता करते, तो इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं किया है। बट आप जैसे ही इस स्ट्रीम में आगे बढ़ेंगे, आपकी चाहे रेगुलर जॉब हो या कोई डिजिटल मीडिया जॉब हो, आपको जहां से भी पैसा आ रहा हो डिविडेंड स्टॉक्स में जरूर इन्वेस्ट कीजिए, बहुत अच्छी चीज है। आपको करना क्या है, कुछ ऐसे स्टॉक्स खरीदने हैं, आपको पहले पढ़ना है स्टॉक्स के बारे में, कंपनीज के बारे में कि किसका डिविडेंड यील्ड कितना है, कैसा कंपनी, पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करनी है। आपको टाइम मिले तो टेक्निकल एनालिसिस भी कीजिएगा एंड फिर जाके डिसीजन लीजिएगा कि क्या ये स्टॉक इन्वेस्टेबल है। अगर आपको लगे देन गो फॉर इट। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पे आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है। स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आपको वहाँ पे स्टॉक अप्रिसिएशन मिलेगा एंड साथ ही साथ आपको जो डिविडेंड देगी कंपनी, आपको हर साल या फिर जितनी बार भी कंपनी डिविडेंड देगी आपको उतनी बार वो वहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। स्टॉक मार्केट रिलेटेड ब्रोकर्स जैसे कि Zerodha, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, इन सब पे अकाउंट बनाने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3rd नंबर पे बात करते हैं ऐप। ऐप यानी एप्लीकेशन। आपने देखा होगा काफी सारे ऐप्स के ऐसे एड्स आते हैं, चाहे वो स्पॉन्सर एड्स हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे आ रहे हो या कहीं और रील्स पे दिख रहे हो आपको, ये वो ऐप्स होते हैं जो सिर्फ PPC के बेसिस पे काम करते हैं, यानी कि पे पर क्लिक, यानी कि इनके जितने ज़्यादा डाउनलोड्स होते हैं उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे एड्स रन होंगे। एक एड मॉब करके, जैसे आपने एडसेंस के बारे में सुना होगा, वैसे ही एक प्लेटफॉर्म है गूगल का एड मॉब जो कि मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए है। जितने भी प्रोडक्ट यानी कि जितने भी एप्स गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश होते हैं उनका कोई एक सर्टेन फी अमाउंट लगता है, वो पे करने के बाद जब आपका ऐप वहाँ पे पब्लिश हो जाता है, अगर उसके डाउनलोड्स बढ़ते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको पर डाउनलोड कुछ पैसे मिलेंगे, बट जितनी बार भी ऐप डाउनलोड होगा अगर उस पर यूजर उस ऐप को यूज करता है तो आपको जितने भी एड्स रन होंगे उस ऐप पे आपको उसका रेवेन्यू मिलेगा। आपने देखा होगा काफी सारे ऐप्स, आप इनफैक्ट जितने भी ऐप्स यूज करते होंगे, व्हाट्सएप इन सबको छोड़ दीजिए, जो भी छोटे लेवल पे चाहे गेम्स हो, आप देखेंगे उन सब पे आपको एड जरूर दिखेंगे बिकॉज वो बहुत अच्छा तरीका है एक पैसिव इनकम जनरेट करने का। इसमें अब आप बोलेंगे आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। YouTube ऑनलाइन पे आज की डेट में हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप इजीली ऐप बनाना सीख सकते हैं। 2nd नंबर पे है एक ब्लॉग शुरू करना।
अब ब्लॉग आपने देखा होगा, आप जब भी कोई न्यूज़ वेबसाइट पे आप विजिट करते हैं वहाँ कितने सारे एड्स होते हैं, चाहे वो बोलते हैं कि हमारा प्रीमियम कंटेंट ले लो, लेफ्ट साइड राइट साइड ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे बीच में आ जाएगा, आप कोई लिंक क्लिक करेंगे तब वहाँ पे एक ऐड आ जाएगा उसमें लिखा होगा क्लोज ओपन। ये सारे एड्स का बहुत अच्छा पैसा देता है गूगल, यानी कि एडसेंस। आपको यकीन नहीं होता तो आप इन कुछ वेबसाइट्स की अर्निंग्स देखिए, सबसे ज़्यादा पैसा जो कमाती है वो न्यूज़ वेबसाइट से कमाती है। तो अगर आप इस फील्ड में घुसते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रख के घुसनी होगी कि या तो आप कोई नीश ब्लॉग पे जाइए, आप कोई एक नीश चूज़ कीजिए अपनी एंड उसके बाद उस पर काम कीजिए, या फिर एक आप सारी कैटेगरी फॉलो करने वाला एक ऐसा ब्लॉग बनाइए जहाँ पे सब कुछ होता हो एक न्यूज़ वाले ब्लॉग की तरह, एंड वहाँ पे अपना कंटेंट डालिए। एंड ईजीली जब आपकी वेबसाइट पे इनफ विजिटर्स होंगे आप उस पर आराम से आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं। एंड प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैंने आपको वर्डप्रेस पे और विक्स पे वेबसाइट बनाना सिखाया है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे है यूट्यूब चैनल, इससे अच्छी पैसिव इनकम सोर्स कोई नहीं है आज की डेट में। सबसे पहले तो आप दुनिया के सबसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स की अर्निंग्स देखिए, एंड ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो जो अभी बिगिनर्स होते हैं एंड इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो, यहाँ पे आपको मेहनत करनी है कंसिस्टेंटली, यहाँ पे आपको कंटेंट क्रिएट करना है। इट डजंट मैटर कितना टाइम लगे, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपका चैनल आपके लिए काम करेगा, आप उसके लिए अपने हिसाब से काम करेंगे। YouTube पे चैनल कैसे बनाएं एंड ऐसी काफी सारी वीडियोस, चाहे वो आपकी कीवर्ड रिसर्च को हो, थंबनेल को लेके हो, मैंने ऐसे काफी सारी वीडियोस बनाई, आपको चैनल पे मिल जाएंगे, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, टू मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब बिकॉज बहुत अच्छा लगेगा। एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में फ्राइडे को शाम को 7:30 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।